हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फार्मा टाइम्स। आज मैं इस वीडियो में विगोरा टेबलेट्स के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। मैं बताऊंगा इस टेबलेट को लेने से आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं या इस टेबलेट्स को लेने से आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो अगर आप इस टेबलेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं या इस टेबलेट्स का इस्तेमाल करने वाले हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिए। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, मैं बता दूं इस टेबलेट को लेने से आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम है, अगर आप सेक्स करने के टाइम पे जल्द से जल्द डिस्चार्ज कर जाते हैं, अगर आप अपने पार्टनर को खुश नहीं कर पाते हैं, अगर आपको लाइक इम्पोटेंसी की प्रॉब्लम है, अगर आपकी सेक्स की टाइमिंग बहुत ही ज़्यादा कम है तो इस टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस टेबलेट का इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें और डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे ही इसका इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस टेबलेट्स को केवल और केवल मेल्स के लिए बनाया गया है। केवल और केवल पुरुष इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो एडल्ट हैं, अगर उनकी उम्र 18 साल के ऊपर है तो ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दो फॉर्म में अवेलेबल होता है, मार्केट में आपको ईजिली किसी भी मेडिकल शॉप पर मिल जाएगी। ये 100 mg में भी आता है और 50 mg में भी आता है। और अगर इसके कंपनी की बात करें तो ये जायडस कैडिला का ब्रांड है। ये 4 tablet की पैक आती है, मार्केट में आपको इजली मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप इसके नुकसान की बात कर लेते हैं, इस टेबलेट को लेने से आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। अगर आप इस टेबलेट को लेते हैं तो आपको हेडेक हो सकता है, आपको पेन हो सकता है, आपको बैक पेन हो सकती है, आपको नाजिया हो सकती है, आपको स्टमक पेन हो सकता है, आपको मसल पेन हो सकता है, आपको ब्लड विजन हो सकता है। बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस टेबलेट का इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं इसके प्रिकॉशंस के बारे में। तो अगर आपको किसी तरह की हार्ट डिजीज़ है, मतलब आपको किसी तरह की दिल की बीमारी है, अगर आपका दिल कमज़ोर है या आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत है, या आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, या आपका ब्लड प्रेशर बहुत ही ज़्यादा लो रहता है, या आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, दुबले पतले हैं, तो इस टेबलेट का इस्तेमाल ना करें क्योंकि आपके लिए बहुत ही घातक साबित हो सकता है। और इस टेबलेट का इस्तेमाल अगर आपको करना है तो अपने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही इसका इस्तेमाल करें। और अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम है या अगर आप जल्द से जल्द डिस्चार्ज कर जाते हैं, अपने पार्टनर को खुश नहीं कर पाते हैं व्हाइल हैविंग सेक्स, मतलब सेक्स करने के टाइम पे, तो सबसे पहले अपने डॉक्टर के पास जाएं और उनको सारी प्रॉब्लम्स, सारी समस्या उनको बताएं। उसके बाद में वो डिसाइड करेंगे कि आपको इस टेबलेट को देना है या नहीं देना है। और उनको ये भी बताएं कि पहले आपको किसी तरह की दिल की बीमारी या किसी तरीके का कोई बीमारी तो नहीं है। दोस्तों, अब इसके इंग्रेडिएंट की बात कर लेते हैं कि इसमें कौन सा ऐसा साल्ट डाला गया है जो कि इतना कारगर और इतना नुकसानदायक होता है। तो इसमें सिल्डेनाफिल सिट्रेट 100 mg डाला गया है। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं इसके वर्क के बारे में। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये सिल्डेनाफिल सिट्रेट जो होती है, ये आपके शरीर में जाने के बाद में ये आपके ब्लड फ्लो को, मतलब ब्लड प्रेशर को बढ़ा देती है। इसको हम PDE टाइप 5 इनहिबिटर्स भी बोलते हैं। इसका काम होता है पेनिस की एरियाज में जो ब्लड वेन्स होते हैं, या आपके लिंग के एरियाज में जो ब्लड वेसल्स होते हैं या ब्लड वेन्स होते हैं, उनका ब्लड फ्लो बढ़ जाता है या खून का बहाव तेज़ी से हो जाता है, जिससे आपके लिंग में वो एनर्जी डेवलप हो जाती है जो कि आपको आपकी सेक्स पावर को बढ़ा देती है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।